मतलब एक्स जो है एक अलग से चीज है जो बढ़ रही है इंडिपेंडेंटली, जैसे कि आप कहेंगे चीनी की कीमत या जो अभी आप गाड़ियों की कीमत है उसका बढ़ने का आपकी एज के बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पता नहीं क्यों चीजें जो है हमेशा बढ़ी रही होती है। तो वन कैन से रिलेशन बट इन रियलिटी दे आर इंडिपेंडेंट। हो सकता है अल्लाह करे कि कोई चीजें कम होनी शुरू हो जाए, ऑल्दो इट इज जस्ट अ ड्रीम, ये चीजें जो है वो सस्ती हो जाए। तो मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, तो हम उसको कहते हैं कि इसकी एक और डायमेंशन है। अब एक और इसके अंदर वेरिएबल ऐड कर दें तो उसकी एक और डायमेंशन बन जाएगी, ठीक है, ये थर्ड डायमेंशन हो जाएगी, इसी तरह एंड डायमेंशन हो सकती। अब हमारे पास जो हम अभी तक हमने एरे पढ़ा है वो वन डायमेंशन है, वो एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप इसको कह लेंगे ये एक रो एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इस तरह से भी हम इंक्रीज करना शुरू कर दें तो फिर हम इसको कहेंगे ये टू डायमेंशनल एरे है, ठीक है। मतलब क्या है कि हम जो है पहले क्या कर रहे थे, एक इंडेक्स आई यूज कर रहे थे, जो भी इसका नाम आई की जगह जो मर्जी रख लें, एक इंडेक्स यूज कर रहे थे इन ऑर्डर टू लोकेट, इन ऑर्डर टू रीच अवर एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि दो डायमेंशन आ गई हैं, अब हम एक रो के बारे में बताएंगे और कॉलम के बारे में बताएंगे, तब जो है हम उस जो एलिमेंट है उस तक पहुंच सकते हैं कि कौन सी रो कौन सा कॉलम। लेट से ये आई है और इसको हम जे कह देते हैं, दिस इज जे हेयर एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं चे, क्या जी सारी क्लास आपका वेट कर रही है। ठीक है जी, तो ये हमारी एक और डायमेंशन है। मतलब अगर हमने किसी एक किस एलिमेंट पे पहुंचना है तो हमें बताना पड़ेगा ये कौन सी रो है जी, ये हमारे पास सेकेंड रो है जे अगर मैं इसको कह रहा हूँ, और कॉलम ये कौन सा है, थर्ड कॉलम है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ कॉलम है, और रो कौन सी बनेगी ये वन टू थ्री। अगर हम इसको सी प्लस प्लस के लिहाज से देखें तो ये जीरो से स्टार्ट होगी और पांच तक जाएगी, और ये जीरो से स्टार्ट होकर दो तक जाएगी। तो हम दो इंडेक्स यूज करते हैं। आई थिंक यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस मैट्रिक्स थिंग, के वहां पे वो कालेब वगैरह कहते थे जी, ये कौन कालेब पढ़ते थे इसको या मैट्रिक्स पढ़ते थे मैथ्स के अंदर, कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। ये हमारे पास सेकेंड रो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम है, बस ये इसको थर्ड को सेकेंड फेडरल। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम, की हाल ठीक है। पाकिस्तान आई स्टॉप हियर क्योंकि मेरी ना एक क्लास है नेक्स्ट, उसके साथ पेपर है, उसके साथ डिस्कशन है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा था कि ये इसके दो होते हैं इंडेक्सेस, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स है तो दो इंडेक्सेस चाहिए, और सी प्लस प्लस की वजह से ये वन की बजाय जीरो से स्टार्ट होंगे। ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने वो एक टू डायमेंशनल एरे जो है वो बनाया हुआ। मैं आई स्टॉप बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस 7.14, बट आई हैव गिवन यू बेसिक आइडिया कि जो टू डायमेंशनल एरे है इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टू डायमेंशनल एरे यूज करते हैं, क्योंकि टू डायमेंशनल में हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं। वी कैन नॉट यूज वन इंडेक्स, वी नीड टू हैव टू इंडेक्सेस, वन फॉर रो एंड अदर फॉर कॉलम। और ये टू डायमेंशनल एरे जो है उसका सिंटैक्स भी सिंपल ही है, दैट वी विल वंस अगेन डिस्कस। मतलब हम ये दो जो है वो एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, पहली रो के लिए दूसरी कॉलम्स के लिए, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, ठीक है। एंड यू आर अगेन एडवाइज टू डिस्कस दिस, टू स्टडी दिस चैप्टर एरेज एंड टू आस्क क्वेश्चंस, टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड द बेस्ट थिंग इज टू प्रैक्टिस।
आप इसे सेल फोन पे प्रैक्टिस करें, आप इसे टैबलेट पे, जैसे भी आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें, आप इसके प्रोग्राम्स को बना के रन करके देखें, क्योंकि यही इसी तरीके से आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी या आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं तो जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, आई कैन एक्सप्लेन दैट, और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस हैं दैट विल क्लियर यू थिंग्स। आई स्टॉप हियर एंड वी विल टॉक इंशाल्लाह टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।